नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पीएस मोटर में। तो गाइज आज आ गई है अपने सामने द ऑल न्यू मारुति जिमनी 2023। भाई पहली बार जो है ना इस गाड़ी को मैंने ऑटो एक्सपो में देखा था, जो अपना नोएडा में हुआ था, और उसके बाद भाई आज अपने डीलरशिप पे आ चुकी है जिमनी। बहुत ही लंबा वेट कराया है, लेकिन भाई मानना पड़ेगा जो लुक आ रही है ना अपने शहर में, बहुत तगड़ी आ रही है, नो डाउट। भाई फ्रंट से देख सकते हो ना, बहुत ही कातिल लुक आ रखी है अपनी जिमनी 2023 की। और वेरिएंट्स की बात करें ना, तो दो वेरिएंट में आती है, एक है जीटा और एक अल्फा। ये जो आप वेरिएंट देख रहे हो ये टॉप एंड वेरिएंट है, अल्फा मैनुअल, जो कि भाई अपना 4x4 पे आ जाता है। अगर इसको अनलॉक करके एक बार आपका इसका फोर व्हील ड्राइव वाला ट्रांसमिशन दिखाएं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डुअल आपका ये दे रखा है, यहाँ पे नॉर्मल गियर्स, और यहाँ पे आप 2 हाई 4 हाई और 4 लो सारी चीज़ें कर सकते हो। चाबी वगैरह की भी अगर बात करें ना, तो यहाँ पे भी अपने को वही टिपिकल चीज़ आ जाती है जो मारुति अभी तक देते चली आ रही थी। चलो भाई बिना किस देरी के सबसे पहले इसकी लाइट्स को एक बार जला के देख लेते हैं, देखते हैं फ्रंट से क्या लुक आ रखी है। तो यहाँ पे भाई जिमनी की जो फ्रंट लुक है ना, यहाँ पे कुछ ऐसी आ रखी है, नो डाउट। लाइट्स में आपको प्रॉपर यहाँ पे एलईडी वाली प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दे रखी हैं, नीचे आपको फॉग लैम्प्स मिल जाता है, ये प्लस फीचर है अपना अल्फा टॉप एंड वेरिएंट में। प्लस भाई हेडलाइट वॉशर भी अपना बढ़ जाता है, ये बिल्कुल लेटेस्ट फीचर मेरे को लगा जो कि अभी तक जिमनी में आया है, क्योंकि ये फीचर तो थार में भी नहीं है। बाकी भाई थार से इसका बहुत तगड़ा कंपेरिजन आपको जल्दी वीडियो देखने को मिल जाएगा अपने चैनल पर, तो भाई चैनल पर ज़रूर बने रहना, पूरी डिटेल्स बताएंगे लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस के साथ। तो उसके लिए भाई वीडियो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओवरऑल लुक कैसी लग रही है भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते जाना। एक बार बैक लुक भी देख लेते हैं धीरे धीरे, पूरा फुल वॉक अराउंड वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं चैनल पे, तो ज़रूर बने रहें भाई। यहाँ पे पीछे से लुक देख सकते हो कितनी बढ़िया लग रही है, जो साइड की क्लाइडिंग हम्प होके आ रही ना वो भी काफ़ी अच्छी लग रही है, नो डाउट। बाकी भाई इस तरफ से एक बार और देख लिया जाए, तो ये है अपनी जिमनी 2023 की बढ़िया सी साइड प्रोफाइल। गाड़ी में आपको जो ना रोड प्रेजेंस मानना पड़ेगा, जब आप रोड पे चलोगे इस गाड़ी को लेके, तो थोड़ा सा भाई अलग ही रुतबा होने वाला है। अभी तक तो थार का था, लेकिन अब जिमनी का भी होगा, नो डाउट। चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले टायर साइज़ की भी बात कर ली जाए, तो यहाँ पे अपने को ना कंपनी ने 15 इंच का टायर दे रखा है, वो भी भाई ब्रिस्टन का ड्यूसलर टायर है। थोड़ा सा व्हील साइज छोटा है, बिकॉज इतनी एक हैवी एसयूवी में 15 इंच का नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से 18 इंच होता ज़्यादा अच्छा रहता। बाकी भाई चलो प्राइसेस की भी बात कर लें, तो यहाँ पे जो कंपनी ने प्राइस रखा है ना, 12,74,000 रुपये केवल रखा है, जो कि भाई बेस वेरिएंट का है, यानी जीटा मैनुअल में जो आता है अपना। बाकी ये जो टॉप एंड वेरिएंट है अल्फा, इसका करीब डिफरेंस आ जाता है 1,00,000 रुपये का, तो ये मानो करीब 13,75,000 रुपये, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो वो इसका प्राइस है एक शोरूम, जो कि ऑन रोड करीब 16-16.5 के अराउंड पड़ रहा है। तो भाई ये चीज़ें हो गई अपनी जिमनी के बारे में। अब चलते हैं एक बार आपको इसके और फीचर्स, थोड़ा सा डीप फीचर्स की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे जिमनी के स्पेक्स आप देख सकते हो, K15B पेट्रोल इंजन है, यानी 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन आ जाता है जिमनी के अंदर, जो कि भाई पावर टॉर्क अपना प्रोड्यूस करता है करीब 104 PS की पावर और 134 Nm का टॉर्क। बाकी भाई यहाँ पे लैडर फ्रेम चेसी है इसकी, अप्रोच एंगल भी काफ़ी अच्छा है, थार से अच्छा है इनफैक्ट, और डिपार्चर एंगल भी, जो कि आप आराम से यहाँ पर पढ़ सकते हो। बाकी लेंथ वगैरह की बात करें, सब 4 मीटर डिज़ाइन है, और इसका जो व्हील बेस है ना करीब 2590 mm का है, जो कि भाई आप देख सकते हो थार से थोड़ी लंबाई अच्छी है इसकी। प्लस ये गाड़ी में अगर प्लस चीज़ें बताऊँ ना, तो यहाँ पे आपको थार जैसे 2 डोर पे आती है, तो ये गाड़ी आपकी 4 डोर्स पे आ जाती है, यानी 4-5 जने आराम से बैठ सकते हो। बेसिकली 5 जने मत बैठो, 4 जने बैठो, आराम से घूम घाम के वापस आ सकते हो अच्छे से। चलते हैं अब एक बार इसका बोनेट भी खोल लिया जाए, मेन जिगर तो वहाँ पे इसका समझ में आएगा। तो भाई देखते हैं जिमनी का बोनेट कितना भारी है अभी तक, क्योंकि मैंने उठा के नहीं देखा था। तो भाई जिमनी का बोनेट इतना कुछ भारी तो नहीं है भाई। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो इसका 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, जो कि भाई सारी ये सब चीज़ों के साथ आ जाता है। इंसुलेशन तो यहाँ कंपनी ने नहीं दे रखी है, ये जो इंजन है ना अपना BS6 Phase 2 पे बेस्ड है। अभी बोनेट अच्छे से बंद नहीं हुआ है क्या? हो गया है। बाकी भाई अगर आपको गाड़ी लेनी हो
तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे एक बार कॉन्टैक्ट जरूर कर लेना, ताकि आपको भाई जिसका वेटिंग वगैरह है ना सारा चीज़ें कानपुर से होकर आप आराम से इस गाड़ी को परचेज कर सकते हो। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर लेना। बाकी भाई अब अल्फा के और फीचर बताए जाना, तो यहाँ पे काफ़ी प्लस फीचर हैं। सबसे पहले तो की का फीचर है, बिकॉज इस गाड़ी में आपने को मिलती है कुछ ऐसी स्मार्ट कीज, यानी इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप बटन का ऑप्शन आपको अल्फा वेरिएंट में मिल जाएगा। प्लस भाई इलेक्ट्रिकली फोल्डिंग वार भी आ जाता है। और भाई अब चलते हैं इसका थोड़ा सा मीटर वगैरह देख लिया जाए, तो यहाँ पे भाई सुजुकी का सबसे बड़ा वाला टच स्क्रीन जो आ जाता था ना स्मार्ट प्ले प्रो प्लस, तो वही है नाम भाई, काफ़ी लंबा है, कोई बात नहीं। और यहाँ पे क्रूज कंट्रोल अपने को देखने को मिल जाएगा। चलते हैं अभी इंटीरियर की तरफ भी चलेंगे, लेकिन एक्सटीरियर थोड़ा सा अभी और एक्सप्लोर कर लिया जाए। तो यहाँ पे मैं आपको मिरर्स वगैरह इसके दिखा रहा, तो ये है इसके फोल्डिंग मिरर्स, जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहे हैं, ये एक क्लिक से आराम से। और बाकी भाई साइड से कैसी क्या लग रही है ना, इसका फ्यूल कैप भी इस साइड दे रखा है, उसको भी चलो खोल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे भाई खुल गया अपना जिमनी का फ्यूल कैप, तो यहाँ पे अपने को आप देख सकते हो E20 पेट्रोल यानी BS6 फेस टू इंजन इसको भी मिल चुका है। बाकी अगर डिग्गी खोल के देखी जाए यानी इसका बूट, तो यहाँ पे भाई ये सॉफ्ट ओपनिंग वाला सिस्टम है अपना बूट के अंदर, काफ़ी सही है नो डाउट। बाकी इंटीरियर दोस्त यहाँ से आप देख सकते हो कैसा क्या लग रहा है जिमनी 2023 का। क्लैडिंग वगैरह की बात करें ना, तो यहाँ पे काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं, बड़ी से बड़ी क्लैडिंग दे रखी है इस साइड, बिकॉज ये प्रॉपर इन्होंने एसयूवी वाला फील दे रखा है इसमें। और यहाँ पे भाई साफ साफ लिखा हुआ है इसमें पैर नहीं रखना वरना नीचे आ जाएगा ये। चलो भाई अब चलते हैं पीछे क्या एक बार और दिखा दे, तो पीछे अपने को रियर वाइपर डिफॉगर ये सारी चीज़ें मिल जाती है, ऑल ग्रिप की बैजिंग है, नीचे रिफ्लेक्टर है और बल्ब बेस्ड इंडिकेटर है 4 पॉइंट पार्किंग सेंसर के साथ। बाकी भाई 6 एयरबैग तो अपने आ जाते हैं जिमनी के अंदर, चाहे वो जीटा हो चाहे वो अल्फा हो कोई दिक्कत नहीं, सब अपना 6 एयरबैग्स आ जाते हैं। इंटीरियर दोस्त एक बार और देख लिया जाए, अब इसके इग्निशन ऑन कर लिया जाए भाई, तो यहाँ पे जो मीटर है ना कुछ इस हिसाब का, यहाँ पे मारुति ने थोड़ा सा भाई कॉस्ट कटिंग कर दी, यहाँ थोड़ा डिजिटल दे देते तो और ज़्यादा अच्छा रहता, जैसे थार में यहाँ बकायदा थार वार बन के आ जाती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो प्लस माइनस हैं, आप देख सकते हो कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगी, जैसे भाई इसमें स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा है जिमनी में थार की कंपेरिजन में, प्लस आपको भाई इसमें 6 एयरबैग मिल जाते हैं, जैसा आप देख सकते हो इस साइड भी है SRS एयरबैग 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो मतलब ये प्लस फीचर्स हैं सेफ्टी भी के मामले में। बाकी आपको ना यहाँ पे आइडल स्टार्ट सब फंक्शन जो टिपिकल मारुति मिलता है वो तो यहाँ पे भी दिया गया है, यहाँ की पावर विंडो ना इस जगह दे रखी है, तो थोड़ा सा भाई ईज ऑफ कन्वेंस आपको हो चाहे ना हो, वैसे एक सेकेंड यहाँ की पावर विंडो ये दे रखी हो, यूवी कट ग्लास तो आ जाता अपना। और भाई यहाँ पे क्रूज कंट्रोल भी है, हॉर्न की बात करें तो यहाँ पे इसका हॉर्न नॉर्मल वाला ही है, और यहाँ पे इन्फो में जाओगे तो यहाँ आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं MID में, जैसा आप देख सकते हो ड्राइविंग टाइम वगैरह, कलर्ड होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। यहाँ पे भाई वाइपर्स के कंट्रोल काफ़ी अच्छे दे रखे हैं जिमनी के अंदर। अंदर की बात करें तो टिपिकल थोड़ी बहुत चीज़ें मारुति की मिल रही हैं, यहाँ पे आप ट्रैक्शन ऑफ कर सकते हो, यहाँ पे आपका हिल डिसेंट कंट्रोल है, और ये भाई ऑटो डाउन फंक्शन है यहाँ पे, अभी तो हालांकि यहाँ से ऊपर हो जाएगा ये वन टच डाउन तो आता है इसमें, और भाई वन टच अप भी आ जाता है देख सकते हो आराम से। बाकी टच स्क्रीन के बारे में क्या ही बताना, आप सभी ने दे रखा है यही सेम टच स्क्रीन, बलेनो में भी आ जाता है और आपका ग्रैंड विटारा में भी है। और ग्लोव बॉक्स का साइज थोड़ा सा छोटा है, यहाँ पे थार की थोड़ी सी कॉपी करी गई है जैसा आप देख सकते हो। मैं गाड़ी की बुराई तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि जो चीज़ें मेरे को समझ में आ रही वो सामने सामने मैं भाई दिखा रहा हूँ बिना किसी, एक होता ना बायस्ड अनबायस्ड रिव्यू, ये अनबायस्ड रिव्यू है पूरा जो अभी तक मुझे फर्स्ट इम्प्रेशन मेरे को देखा है। और यहाँ पे भाई जो पीछे के डोर है ना इसमें भी भाई कोई स्पेस तो नहीं है, यहाँ पे पावर विंडो मिल जाती है, यहाँ थोड़ा सा अजीब है। बाकी भाई इंटीरियर जो है ना जिमनी का कुछ ऐसा लग रहा है, बूट लैम्प सॉरी रूफ लाइट जो है ना दो दो दे रखी है यहाँ पे ऊपर एक साइड,
बाकी हेडरेस्ट जो है ना कुछ ऐसे हैं, एडजस्टेबल हैं चारों के चारों, और भाई पीछे भी काफ़ी सही है। यहाँ पे पार्सल ट्रे नहीं लगा रखी है, बट एक छोटा सा यहाँ पे क्वार्टर ग्लास दे रखा है जो कि काफ़ी ठीक है। तो ओवरऑल ये हो गई अपनी जिमनी के बारे में सारी बातें। पीछे भाई एक चीज़ और है कि अगर पीछे दे रहे थे तो यहाँ रियर एसी वेंट भी रखना चाहिए था। बाकी यहाँ पे भाई थोड़ा रेड लुक है, मतलब सॉफ्ट क्लोजिंग नहीं है, ये नॉर्मल ग्रैब हैंडल है। बाकी ये हो गई अपनी पूरी की पूरी वीडियो रिगार्डिंग जिमनी 2023। पीछे का स्पेयर व्हील काफ़ी अच्छा लगा है, थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे बहुत ही फिनिशिंग लगी है, जितनी मतलब थार में आप थोड़ी सी कमी देखोगे ना वो ये गाड़ी कहीं ना कहीं कमी पूरी कर देती है फिनिशिंग एंड फिट एंड क्वालिटी के मामले में। ये चीज़ जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे आपका पानी निकलने का पूरा एक स्पेस दे रखा है, अगर इधर से दिखाएं आपको अच्छे से, तो ये जो है ना वाटर ड्रेनेज सिस्टम कंपनी ने बना रखा है इस साइड। बाकी भाई ये रही पूरी की पूरी बातें रिगार्डिंग अपनी जिमनी 2023 अल्फा वेरिएंट की। एक वीडियो भाई इसका टेस्ट ड्राइव वाला भी ज़रूर करके देखेंगे, उसके लिए चैनल पे बने रहना। बाकी भाई स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे एक बार ज़रूर कॉन्टैक्ट कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।